राधे राधे सबको, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग 5:10 ऐसे ही हो रहा होगा अराउंड, मतलब 5 बज रहा है सुबह का। और मैंने यहाँ पर रात में भिगोए थे साबूदाना और जो आलू है वो भी बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि ये दोनों काम हो जाते हैं तो फिर आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मॉर्निंग में बहुत इजी हो जाता है काम करना एंड ओवरनाइट सोक्ड साबूदाना काफ़ी अच्छे से बन जाता है और खाने में भी काफ़ी मतलब सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने जा रही हूँ बेटू के लंच के लिए साबूदाना के वड़े, क्योंकि वो भी व्रत करती है। मैं करवाती नहीं हूँ, वो करती है, क्योंकि मुझसे एक दो लोग बोल चुके हैं व्रत क्यों करवाती हो उससे लिटरली। तो मैंने सोचा बच्चों से कोई कुछ करवा सकता है, आप ही बताना। जो माँ है वो ये चीज़ समझ सकती हैं कि बच्चों से कोई चीज़ करवाई नहीं जा सकती है, कि खुद की इच्छा होती है तभी वो करते हैं। तो मैंने वहाँ पर साबूदाना आलू सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी थी और इधर मैंने इनके लंच बॉक्स के लिए ये जो सोयाबीन होती हैं उसको बॉयल कर लिया है। मैंने पानी में नमक डाल के बॉयल किया है, आप चाहें तो सादा भी कर सकते हैं, मैं नमक डाल के करती हूँ ताकि वो फीकी फीकी ना रहे, नमक सारा अच्छे से उनमें हो जाए। और इधर मेरे मखाने भी भुंज गए और एक तरफ चढ़ा दी मैंने साबूदाना की खीर। फटाफट से बैक टू बैक मैं दोनों लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की भी और इनकी भी, क्योंकि इनका व्रत नहीं है और नन्नू का व्रत है। और अभी मेरी नन्नू कुछ चीज़ों को छोड़कर सिर्फ कुछ चीज़ें ही ऐसे हैं लाइक पनीर हो गए और आलू का पराठा, मतलब इन चीज़ों को छोड़ कर के बाकी कोई चीज़ सेम नहीं ले जाती है। मेरे हस्बैंड का लंच अलग रहता है मोस्टली और मेरी जो नन्नू है उनका लंच अलग रहता है, क्योंकि नन्नू कभी कभी पास्ता ले जाती है, मैक्रोनी ले जाती है, तो वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो दोनों लोगों के जो चॉइस ऑफ फूड है, नीड ऑफ बोल लीजिए, नीड है जो, वो डिफरेंट है इस वजह से। और मेरे हस्बैंड को बड़े वगैरह भी कुछ खास पसंद नहीं है और वैसे भी बड़ों से होगा क्या, उनका कुछ भला नहीं होने वाला है, पेट नहीं भरने वाला है। और यहाँ पर मैंने फ्रूट भी कट कर लिए हैं तो मेरे साबूदाना की खीर भी बन गई, मखाने भी भुन गए हैं एंड सोयाबीन भी बॉयल हो गई हैं, फ्रूट भी कट हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं जो लंच बॉक्स है नन्नू का वो तैयार कर लूँगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं न्यू लंच बॉक्स में उसका लंच रेडी कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कब ये आएगा और कब मुझे अलग अलग बॉक्सेस में चीज़ें रखने से छुटकारा मिलेगा, सारी चीज़ें एक साथ ही मैं रख पाऊँगी। बहुत दिक्कत होती थी और फिर नन्नू को भी अलग अलग ओपन करना पड़ता था, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से आ गई। तो एक कंपार्टमेंट में मैंने फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये तो मेरा परमानेंट ही रहेगा, एक में फ्रूट एंड एक में ड्राई फ्रूट मैं रखूँगी मोस्टली, शायद ही कभी स्किप करूँ तो करूँ, और एक में बड़े और एक में साबूदाना की खीर। तो ये हो गया मेरी नन्नू का लंच फटाफट से रेडी एंड मुझे आज बहुत खुशी हो रही है दिल से। मैं मतलब एक माँ होने के नाते आप समझ सकते हैं कि माँ को कितना अच्छा फील होगा जब उसके बच्चे को प्रॉपर अच्छे तरीके से एकदम सब कुछ पैक्ड और अच्छा से मिले, तो फिर इसकी खुशी क्या होगी। और नन्नू ने अपनी फेवरेट बॉटल भी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, बॉटल मैंने मीशो से मंगवाई थी, लंच बॉक्स में बता चुकी हूँ अमेज़ॉन से मैंने लिया है एंड काफ़ी लोग इसका लिंक भी मांग रहे हैं तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूँगी, मैं दे दूँगी। एंड यहाँ पर ये जो मेरी बीन्स हैं, बीन्स बोले क्या बोले इनको, जो भी है सोया है, तो मैं इसको इनका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ लूँगी। बिना निचोड़ करके पानी जो एक्सेस वाटर होता है निकाल करके हमें नहीं बनाना चाहिए, अच्छे से मैंने इनका पानी निकाल दिया है और कर ली है यहाँ पर सारी चॉपिंग और तैयारी, क्योंकि इनको भी निकलना रहता है फटाफट। तो बैक टू बैक मैं सारे काम करती हूँ, नन्नू का सारा तैयारी वगैरह करके उसको स्कूल वगैरह मतलब के लिए भेज करके, स्कूल तो यही मतलब नीचे तक छोड़ने जाते हैं, बस आती है मेन गेट पर तो वो लेके चले जाते हैं नन्नू को और मैं सामने से देखती रहती हूँ उसको, बस से वो जाती है तो ये लेकर के चले गए उसको बस के लिए। मैं फटाफट इनका जो सोयाबीन की सब्जी है वो रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं डालती हूँ थोड़े से खड़े मसाले, कटी हुई हरी मिर्च, फिर मैं जो सारे मसाले हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। सोयाबीन भी दो तीन तरीके से बनती है, फ़िलहाल मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी है तो ये मोस्टली ले जाते हैं, बट शेयर मैं आज आपसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल करके टमाटर डाल दिए थे और अच्छे से भून लिया था, उसके बाद डाल दी थी बड़ी और ऊपर से डालूंगी मैं इसमें 2 चम्मच दही के, हाँ जी, से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर किसी को नहीं बनानी आती, बहुत इजी मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बहुत ही सुपर इजी रेसिपी है, इस तरीके से बिना किसी झंझट के, बवाल के, एक्स्ट्रा चीज़ के आप बना सकते हैं। और चाहें तो ये स्किप कर दीजिए स्टेप, बट मैं ज़रूर करती हूँ, सूखे मसाले ऊपर से मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
मतलब टेस्ट इन्हेंस हो जाता है थोड़ा सब्जी का, वो डाल करके मैंने अच्छे से सब्जी को पका लिया। और यहाँ पर अब मैं जो आटा है वो सेट कर लूँगी फटाफट, इनके भरकाई करूँगी क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है। और सब्जी रेडी हो गई, हम मैं इसमें डाल दूँगी हरे धनिया एंड रोटियां सेक लूँगी। और यहाँ पर इनका भी लंच फटाफट से बन करके रेडी हो गया है। नन्नू के लिए 4 बड़े मैंने बनाए थे, तो 2 बड़े वो खा करके चली गई है और 2 मैंने उसको लंच बॉक्स में रख दिए थे। एंड अब उसका थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है तो वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी अपने लिए, और थोड़ी सी साबूदाना की खीर बची है। और इनका जो लंच मैंने बनाया है, लाइक जो अभी मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं, रायता भी मैंने उतना ही बनाया है जितना इनको हो, सब्जी इनकी थोड़ी सी बच गई थी, तो ये जब आएंगे तब उसके काम आ जाएगी, क्योंकि मैं तो नहीं खाऊँगी एंड मैं खाती भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है। व्रत ना होता मैं शायद तब भी ना खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और इनके लिए पैक कर दी रोटियाँ। इनका लंच बॉक्स भी नन्नू के लंच बॉक्स आने के बाद ही आ गया था, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आज दोनों लोग नए नए लंच बॉक्स में लेकर के जा रहे, मेरे लिए इतना ईजी हो गया था सब काम करना। इसमें एक बॉटल भी है, इसमें मैं इनको कभी छाछ कभी नींबू पानी इस तरीके से कभी कुछ मैं रख दिया करूँगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा एंड यू नो एकदम प्रैक्टिकली क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है तारीफ़ का, मुझे हर तरीके से बहुत आराम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड निश्चिंत हो गई हूँ मैं इन दोनों लोगों के लंच बॉक्स से। और यहाँ पर घर की हालत, किचन की हालत आप देख सकते हो क्या हो रही है। अभी मैं इसको समेटूंगी इनके जाने के बाद, यही रूटीन रहता है, दोनों लोग चले जाते हैं, फिर मैं करती हूँ घर की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से, एंड फिर सारी जो बर्तन वगैरह हैं वो भी वॉश करके एंड फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी पूजा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रूटीन रहता है। एंड आगे मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग एंड अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और यहाँ पर मेरी किचन होती है एकदम नीट एंड क्लीन, एंड इसके बाद अब मैं जाऊँगी शावर लेने। उसके बाद कर ली थी मैंने पूजा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, जितने दर्शन करो उतना ही कम है। तो यहाँ पर मैंने पूजा की, इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करने और फिर उसके बाद वापस आकर के आप लोगों से करती हूँ बातें। ओम नमः शिवाय सबको। अभी मैं आई हूँ नीचे मंदिर से पूजा करके, और अभी मुझे ये दोनों कपड़े हैं क्लीन करने, बट मैं थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि पूजा करने के बाद तुरंत पानी से हाथ वगैरह नहीं धोते हैं इस वजह से। 10:30 10:30 बज गया है और अब मुझे सांस लेने की फुर्सत हुई है, और आप लोगों से सोचा बात भी करूं मॉर्निंग से लगे 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 लगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, एक सेकंड के लिए बैठती नहीं हूँ, खुद में रोबोट वाली फीलिंग आती है, ऐसे लगता है रोबोट बन चुके हूँ, बस लगना है लगना है लगना है। और अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है घर के काम करते करते। किस किस को खुशी होती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, जब अपना बच्चा अपना हस्बैंड लंच लेकर के जाते हैं और आप घर का सारा काम कर लेते हो, पूजा कर लेते हो, तो उसके बाद क्लीनिंग कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हो, उसके बाद की जो खुशी होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है, वो कोई फील नहीं कर सकता, सिर्फ एक हाउसवाइफ ही फील कर सकती है। तो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, फ़िलहाल मैं पानी पीती हूँ, मुझे बहुत तेज़ वाली प्यास लग रही है, गला सूखा जा रहा है, सुबह से पानी भी नहीं पिया, तो मैं पीऊँगी पानी और उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय। और आज मैं चाय के साथ कुछ भी नहीं बनाऊँगी, खाने वखाने कुछ नहीं, सिर्फ चाय पीने का मन है आज मेरा, कुछ खाने पीने का मन नहीं है, बस प्यास लग रही है बहुत तेज़ी से। बर्थडे आ रहा है उसका, आई एम सुपर एक्साइटेड। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, जो मुझसे पुराने जुड़े उन्हें तो पता ही होगा, मेरी नन्नू का बर्थडे होता है 1 सितंबर को, 1 सितंबर को उसका बर्थडे है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है पहले से ही, थोड़ी थोड़ी करते रहो तो ठीक रहता, एन टाइम बर्डन नहीं पड़ता। लास्ट ईयर तो ऐसा हो गया था, नन्नू के केक कटिंग के टाइम थोड़ी देर पहले ही उसकी ड्रेस आ पाई थी, मतलब शाम हो गई थी पूरी 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 तरह से शाम हो गई थी तब उसकी ड्रेस आ पाई थी। तो इस बार ऐसे नहीं करना है, इस बार पहले से तैयारी करके रखनी है ताकि लास्ट टाइम कोई हौच पौच ना हो। तो मुझे और अच्छा लगा था आज का रूटीन करने में, एकदम जब कोई हम नई चीज़ करते हैं, नया मेकओवर करें, नई शॉपिंग करें, नई कुछ चीज़ यूज़ करें, तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग रहती है, एकदम रिफ्रेश रिफ्रेश लगता है। तो डेली वैसे ही पुराने लंच बॉक्स में रखती थी तो उतना अच्छा नहीं लगता था, बट आज एकदम न्यू लंच बॉक्स में चीज़ें रखी हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी इस फीलिंग को शेयर करूँ। हम हाउसवाइफ की बहुत कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती हैं, छोटी छोटी खुशियों में, घर के कामों में, घर की सजावटों में हम लोग खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर खुश रहते हैं।
बस यही है हमारी जिंदगी। और पहले जब मेरे हस्बैंड केवल लंच लेकर के जाते थे, नन्नू नहीं जाती थी क्योंकि नन्नू के विंटर बोलियो समर वेकेशन चल रहे थे, मैं फिर नहा करके ही इनके लिए लंच बनाती थी। बट आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपने मन को समझाया। मैंने कहा कि सबसे बड़ी पूजा होती है कर्म, कर्म ही पूजा है ऐसे ही नहीं बोला गया है। तो इस वजह से आपका जो वर्क है वो आप करिए, आपसे जितना हो सकता है जिस उससे हो सकता है करिए। तो फिर मैंने वो आदत छोड़ दी अपनी। अब पहले मैं फटाफट से इन लोगों का पेट पूजा का समाधान कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ, फिर आगे की रूटीन करती हूँ। अभी मैंने ये अदरक भी धुल करके रख दी है, तो ये सूख जाएगी लगे हाथों, फिर मैं इसमें करके रख दूँगी। मेरी जो चाय है वो भी बन गई है, मैं पीती हूँ चाय। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा। यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मंडे मॉर्निंग रूटीन। थोड़ा सा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।